हमको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जिस तरह रविदास टेंपल को डिमोलिश करा गया या अंबेडकर के स्टैचू को गिराया गया, ये एक हार है मनुवादी आइडियोलॉजी की। इंसान कब आमादा होता है चीजों को तोड़फोड़ करने के, तो ये आइडियोलॉजिकल हार हुई है, तो उसपे गुस्सा है जो वो स्टैचूज को गिराकर निकाल रहे हैं, जो दलित के खिलाफ अट्रोसिटीज बढ़ रही हैं। 2016 की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है 2016 की, 66% राइज हुआ है दलित के खिलाफ हेट क्राइम्स में। तो सरकार इस पे बात क्यों नहीं कर रही है और इस तरह क्यों दलित को और दबाया जा रहा है? क्या ये सरकार अभी भी 1000 साल पीछे ही जी रही है जो आज तक इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं करना चाहती? मैं इस मंच के थ्रू एक और बात हाईलाइट करना चाहती हूँ कि प्रोफेसर हानि बाबू के घर में रेड करा गया, और प्रोफेसर हानि बाबू की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने आर्टिकल्स में बार बार रेडिकल इक्वालिटी की बात करी है। रेडिकल इक्वालिटी की जरूरत है इस वक्त इस नेशन को। क्यों जरूरत है? क्योंकि बिफोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिफोर लिबर्टी, वी नीड इक्वालिटी, और इस देश में इक्वालिटी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ी जा रही है। तो आई फ्रॉम JNUSU एंड फ्रॉम फ्रेटर्निटी मूवमेंट स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द भीम आर्मी एक्टिविस्ट्स हु हैव बीन अरेस्टेड। आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद चंद्रशेखर आजाद, उनको रिहा करा जाए और जो मंदिर तोड़ा गया है उसको फिर से बनाया जाए, उसका निर्माण शुरू किया जाए और वही बनाया जाए जहां पे वो तोड़ा गया है। जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसी तरह रविदास टेंपल को भी तोड़ा गया। तो वी नीड टू रियलाइज कि इन आइडल्स को, इन प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू माइनॉरिटीज को क्यों बार बार तोड़ा जा रहा है, बार बार अटैक किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि थोड़ी सी भी जो वॉइस ऑफ डिसेंट आती है उसको रोक दिया जाए, उसको कर्व कर दिया जाए, जहाँ शुरुआत में ही उसको फ्रॉम द वेरी सैपलिंग ही उसको अप्रूव कर दिया जाए। तो आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद भीम आर्मी एंड चंद्रशेखर आजाद, और जो स्टैचूज तोड़े जा रहे हैं अम्बेडकर के, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। कर्नाटका में भी कई बार, यूपी में भी कई बार अम्बेडकर के स्टैचूज तोड़े गए हैं। तो आई स्टैंड अगेंस्ट दीज थिंग्स एंड जो कुछ भी रहेगा हम उसके साथ लड़ेंगे, इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।